बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उनके नाम इस प्रकार हैं, विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर दो विद्यार्थी रहे हैं, उसमें पहला नाम है सुश्री रोहिणी प्रकाश, पिता का नाम श्री महेश प्रसाद और ये प्लस टू हाई स्कूल सर्वाधी नालंदा की विद्यार्थी हैं और इन्हें 473 अंक मिले हैं, अर्थात 94.6% मार्क्स टॉपर को मिले हैं इस बार। और प्रथम स्थान पर दूसरे विद्यार्थी रहे हैं श्री पवन कुमार, जिनके पिता का नाम श्री सुनील कुमार सिंह है और इन्हें भी 473 अंक के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट हाई स्कूल किंजर अरवल के ये विद्यार्थी हैं और इनके पिता का नाम श्री सुनील कुमार सिंह है। ये परीक्षा का परीक्षा फल मार्च महीने में घोषित किया गया। अमूमन स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाएं फरवरी मार्च महीने में होती हैं, यहाँ तक कि कुछ राष्ट्रीय स्तर के बोर्डों की परीक्षाएं इंटरमीडिएट की अभी चल ही रही हैं, जो आगामी अप्रैल माह में समाप्त होंगी। ऐसी परिस्थिति में पहली बार मार्च में इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करना अपने आप में एक कीर्तिमान है और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दो विद्यार्थी हैं श्री सत्यजीत सुमन, प्लस टू दिनवरी हाई स्कूल समस्तीपुर के, एवं श्री सुभाकर कुमार जो प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल वेस्ट चंपारण बेतिया के स्टूडेंट हैं। और इसके साथ ही थर्ड स्थान पर रहे हैं, सेकेंड वाले के मार्क्स हैं 472, अर्थात 94.4%। और जो तीसरे स्थान पर विज्ञान संकाय में रहे हैं वे हैं मोहम्मद अहमद, जिनके पिता का नाम इकबाल अहमद है और ये प्लस टू दुर्गा प्रसाद हाई स्कूल कटिहार के विद्यार्थी हैं और इन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं। बिहार इन शॉर्ट्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।